नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा समाचार में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी मिली मंजूरी। सर्वसम्मति से पारित हुआ परिनियत संकल्प। गृहमंत्री अमित शाह ने दोहराई घाटी के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता। सदन से जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक भी हुआ पारित। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू का सदस्यों से शून्यकाल के दौरान विशेष और नए मुद्दे उठाने की अपील। सदन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सभी सदस्यों की भागीदारी पर दिया जोर। कहा सरकार से शून्यकाल के दौरान उठाए गए विषयों का सदस्यों को मिलना चाहिए जवाब। और बिहार से निर्विरोध निर्वाचित केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने ली राज्यसभा की सदस्यता की शपथ। ओडिशा से चुने गए बीजेपी के अश्विनी वैष्णव ने भी ग्रहण की सदस्यता। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन में अनुभवी सांसदों की मौजूदगी को बताया फायदेमंद। राज्यसभा से जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2019 पारित हो गया है। साथ ही जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने बढ़ाने संबंधित प्रस्ताव भी राज्यसभा से मंजूर हो गया। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने वाला प्रस्ताव पेश करते हुए अमित शाह ने कहा कि 2 जुलाई को राष्ट्रपति शासन की अवधि खत्म हो रही है। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल के जरिए राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वालों को भी वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास रहने वालों की तरह ही आरक्षण का लाभ देने का प्रावधान है। इससे पहले कई दलों के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। ये विधेयक लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है। हम नेहरू जी के बारे में कोई गलत विचार देश की जनता के बारे में खड़ा करना नहीं चाहते, देश की जनता को गुमराह भी करना नहीं चाहते। ना ही हमारा मकसद है, ना हो सकता है। परंतु एक बात है मनोहर, इतिहास की भूलों से जो देश नहीं सीखते हैं उनका भविष्य अच्छा नहीं होता है। इतिहास की भूलों की चर्चा होनी चाहिए, मगर इतिहास के अंदर अच्छी लगे वो बातें बता देना और जो अपने लिए अच्छी न वो बातों को छिपा देना, मैं मानता हूँ ये सदन के अंदर माननीय अध्यक्ष जी ये नहीं करना चाहिए। हमारी सरकार सुरक्षा के लिए कटिबद्ध सरकार है। मैंने पहले ही कहा कि आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर हम चलते हैं। हमने आज तक सबसे ज्यादा सीआरपीएफ की कंपनियां भी वहां पहुंचाई है और सीआरपीएफ की जम्मू कश्मीर में जो कंपनियां हैं उनको आधुनिक साधनों से लैस करने का भी प्रयास किया है। जमायत इस्लामी, इसको भी संरक्षण प्राप्त था, राजनीतिक संरक्षण, दल का नाम देना नहीं था, परंतु राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है, मगर उस पर भी हमने प्रतिबंध लगाया। जमीनी स्तर पर आतंकवादियों को समर्थन करने वाले लोगों के प्रिएंटिव अरेस्ट किए गए, जेलों की चरमराई हुई व्यवस्था को अत्याधुनिक कर कठोर से कठोर तरीके से जेलों के अंदर से जो टेररिज्म को बढ़ावा दिया जाता था उसको हमने बंद किया। उसके बाद कैदियों को असंगठित करने के लिए बहुत लंबे समय के बाद, क्या वजह है कि इन्हीं 5 सालों में सबसे ज्यादा हमारी फौजी मारेगी, क्या वजह है कि सबसे ज्यादा सिविलियन इसी वक्त में मारे गए, क्या वजह है कि हमारे आर्मी, मेरे लिखे हैं मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, 16 आर्मी सीआरपी के जो इंस्टॉलेशन वो उड़ी से लेकर नगरोटा से लेकर जितने बड़े बड़े इंपॉर्टेंट जगह हैं उन पे हमले हुए और लोग हमारे फौजी मारे गए। सिर्फ हमले नहीं हुए, मारेंगे भी। अगर ये जीरो टॉलरेंस है तो ये 16 हमले कहां से आए, क्यों हुए और हमारे फौजी क्यों इनमें मारे गए? आप लोगों के अपने फैसलों की वजह से, आप लोगों की जो तन नजरी है उससे एक वजह की वजह आज जम्मू कश्मीर के ये हालात हो रहे हैं। इसलिए ये कहना कि वहां पे कोई गवर्नमेंट नहीं बना सकता था, ये भी गलत बात है, ये भी हाउस को मिसलीड करने की बात है। तो यदि जम्मू कश्मीर को बदलना चाहते हैं,
तो आपको राजनीतिक चश्मे से इसे देखना बंद करना पड़ेगा। आतंकवाद का समर्थन करने वालों को आप कश्मीर की धरती पर कोई ठिकाना नहीं है, अपना अपना बोरिया बिस्तर बांधे होकर जम्मू कश्मीर को अपना पार्टी ने दिया उसी की। तो अब परिस्थिति कश्मीर में यह है कि राष्ट्रपति शासन लागू है, कल खत्म हो जाएगा और चुनाव कोई एक दिन में हो नहीं सकते, इसलिए आपने परिस्थिति ऐसी पैदा कर दी कि हम उसका समर्थन करें ही, इसलिए मैं इस अध्यादेश का समर्थन कर रहा हूं। यू आर आस्किंग मी व्हाई आई ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू डू हिंदू मुस्लिम, नो सर, इंडियन सिटीजन। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द सेकंड बिल विद द रेजोल्यूशन आई सेड वी आर सपोर्टिंग एंड द सेकंड बिल विच यू आर ब्रिंगिंग फॉर द थर्ड काइंड ऑफ बॉर्डर, द इंटरनेशनल बॉर्डर। They're also from the Trinamool Congress. We are supporting this because we believe Indian citizen must be given the benefit. Indian citizen must be given as many rights. So I ask this government through you. It is better to have instability in the political system in a state like Jammu and Kashmir than President Sul. So in that circumstances, we invite or we support President Sul because we hope there should be some sort of stability. But my question, as it has been raised by some other honourable members, sir, when the situation was conducive to hold the parliament election, why it was not conducive to hold the assembly election simultaneously? EC notes. राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सोमवार को सदन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि सदस्य शून्यकाल के दौरान विशेष और नए मुद्दे ही उठाएं। सभापति ने शून्यकाल के दौरान सदन में सभी राजनीतिक दलों और सदस्यों की भागीदारी पर जोर दिया। उन्होंने सरकार से कहा कि शून्यकाल के दौरान उठाए गए मुद्दों और विशेष उल्लेख का सदस्यों को जवाब मिलना चाहिए। You give notice on general issues that we will not be able to get justice to that one. Secondly, I have to think about, but the other day while making an observation, I said not only special mention but also 0 hours also has to be responded by the ministers. The practical difficulty that is coming is if you make a general observation, then there will be, we have taken note. It is under consideration or it will be examined. Only it will be like that only. So, 0 hour submission should be latest one. Second, it should be specific. Third, it should not be matter concerned with the state government, because at the end of the day, states has to perform that responsibility. Central government, then you, the moment center says something, then there will be federal structure, central state relations, all these things come. And secondly, another thing, some members are very active. Good. They are giving number of notices. I have to take care of the entire house. So I have to see whether people from different parties are getting opportunity or not. So weekly once, I will see this week, this person, this member has not got any chance. So he will get priority. That I want to apprise you all of the procedure I am following. If you have not got a chance in this week, you will be the first person to get. It's not automatic, but you will be the first person to be considered. And secondly, if the time is there, and members are not there, then I am moving on to special mentions also. राज्यसभा में आज केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली। गौरतलब है कि रामविलास पासवान को बिहार से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया है। मैं रामविलास पासवान, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। और इसके अलावा बीजेपी के समर्थन से ओडिशा से निर्वाचित हुए बीजेपी के अश्विनी वैष्णव ने भी राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। मो भारत र सार्वभौमत्व और अखंडता अक्षुण्ण रखिबी एवं मो जो पद ग्रहण करिबा को जाऊ अछि
ताहारो कर्तव्य श्रद्धापूर्वक निर्वाह करिबी। राज्यसभा में आज शून्यकाल और प्रश्नकाल सुचारू तरीके से चला। शून्यकाल के दौरान सदस्यों ने जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने पुणे में दीवार गिरने से मजदूरों की मौत का मुद्दा उठाया, जिसके जवाब में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जिम्मेदार दोनों बिल्डरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। वहीं कांग्रेस के जयराम रमेश ने हिमालय के ग्लेशियर का मुद्दा उठाया। बीते दिनों पुणे में 15 मजदूर मर गए सर, और उनकी मौत मैं मानता हूँ मानव निर्मित है, ये प्राकृतिक मौत नहीं है। कल मैं पुणे में था और मैंने जो इसमें 2 जख्मी हॉस्पिटल में है और जिनका ऑपरेशन हो रहा है आज, तो उनकी भी मुलाकात की। इसमें दोनों बिल्डर्स जो है रिस्पॉन्सिबल, उनको गिरफ्तार किया है। सभी क्षेत्रों के एक्सपर्ट और अधिकारियों की कमिटी नियुक्त किए है, और ये सारे बॉडीज जो थे वो एयरफोर्स के स्पेशल फ्लाइट से वहाँ पहुँचे हैं, और सबको जो 5-5 लाख रुपए की राशि देना है उसके लिए भी उनके वही के कलेक्टर, बिहार के कलेक्टर्स को बताया गया है कि जल्दी नाम ऑथेंटिकेट करके भेजे ताकि उनके यहाँ जनरल मंत्री जी, जनरल पॉलिसी इसमें यह है कि ये एकदम सच है कि खासकर मजदूर जो काम करते हैं कंस्ट्रक्शन पर, उनके रख रखाव के नियम और कड़ाई करने चाहिए। और मैं भी अधिकारियों के साथ वहाँ भी मीटिंग करूँगा, लेकिन संबंधित मंत्रालय को भी हम लिखेंगे। There are over 10,000 glaciers in the Indian side of the Himalayan ecosystem. Some glaciers like the Siachen may well be advancing, while some others like Gangotri glacier may be retreating, but at a slower rate. But it is beyond doubt that the overwhelming majority of the Himalayan glaciers are losing their ice. In recent days, sir, and this is what prompts the zero hour, in recent days, media all over the world has headlined a study based on American spy satellite data that reveals that the rate of melting of numerous Himalayan glaciers has doubled during the last 15 years as compared to the previous 15 years. इसी के साथ राज्यसभा समाचार में इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।